नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। कई दिनों से बीमार चल रहे एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान का कल बीती शाम को निधन हो गया। बता दें कि दिल्ली में उनका निधन हुआ है और आज शाम तक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शाम तक पटना एयरपोर्ट पे वायुसेना के स्पेशल विमान से उन्हें पटना लाया जाएगा। आपको बता दें कि उनके साथ कई केंद्र मंत्री जैसे रविशंकर प्रसाद, उनके बेटे और जमुई से सांसद चिराग पासवान भी साथ में आएंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीमार थे, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और कल उनका निधन हो गया दिल्ली में। आपको बता दें कि ये पटना एयरपोर्ट है जहां पे शाम को कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ रामविलास पासवान जी का पार्थिव शरीर वापस पटना लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से पार्टी दफ्तर जाएंगे, उनका पार्थिव शरीर वहाँ रखा जाएगा, वहाँ लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा जो बोरिंग रोड में है और कल सुबह कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका अंतिम संस्कार होगा। तमाम खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे नेशन न्यूज़ पटना।